श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 7 शब्दात अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिविदान साहिब प्रभुपाद के द्वारा प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विदिशेदतः निर्गुणीयस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे शब्दात प्रायेण मुख्यतया मुनयः सारे मुनि राजन हे राजा निवृत्तः ऊपर उठे हुए निवृत्त विधि विधि विधान शेदतः प्रतिबंधों से निर्गुणीयस्थः आध्यात्मिक रूप से स्थित रमन्ते आनंद लेते हैं स्म प्रकट रूप से गुण अनुकथने महिमा का वर्णन करते हुए हरे ही भगवान की अनुवाद हे राजा परीक्षित मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया मुक्तात्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि के परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवद गीता 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी तरह ही एक है, हमारी ही तरह के एक है, अतएव वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के विस्तार के रूप में परमात्मा के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि भगवान के निराकार ब्रह्म के पहलू रूप में तदाकार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी चाहना करते हैं कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में किया जाता है, उनके निर्विशेष पहलू में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी है जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनके निम्न स्तर पर होते हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकर होने के उद्देश्य से करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूप रूपं तस्याग्रजामुरुपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रपत्तो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिताश्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे हैं, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, वो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ते हैं। आज गौर पूर्णिमा का सु अवसर है तो हम ये श्लोक को थोड़ा समझकर, थोड़ा इसके पर चर्चा करके हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में, उनका वो क्यों प्रकट हुए, किसके लिए, क्या उन्होंने हमको दिया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना जीवन दिन रात इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं लगाना चाहिए। वास्तव में जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना वही सर्वोच्च सिद्धि है। अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ पर पुंसान अंते नारायण स्मृति, ये मनुष्य जीवन का लाभ किस में है, अंत में नारायण स्मृति होनी चाहिए। तो हमें अंत में नारायण स्मृति करनी है, यानी अंत में नारायण का स्मरण करना है, अंत में नारायण का नाम उच्चार करना है, हरि 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 कृष्णा गौरांगा। तो ये सब भगवान नारायण के ही, नारायण ही है एक एक रूप है, तो गौरांग बोलना अंत समय में, तो ये सब करना ही अंत में भगवान गौरांग का, भगवान कृष्ण का, नारायण का स्मृति करना ही हमारा सर्वोच्च लाभ है, यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। तो जो अध्यात्मवादी है, प्रायेण मुनयो राजन, हे राजन, जो मुनि है वो लोग क्या करते हैं, निवृत्ता विधि शेदतः, वो विधि निषेध, यानी हम लोग अभी जो नियमक सिद्धांतों का पालन करना है ना, ये करना है और ये नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, चार नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण का जप करना है, ये विधि निषेध है। तो ये क्या है, राज निवृत्ता, तो निवृत्त कौन है, उच्च कोटि के अध्यात्मवादी, यहाँ लिखा है मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों के प्रतिबंधों से ऊपर है, तो उनको विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमेशा वो तोड़ते भी नहीं है, वो स्वयंस्फूर्त वो सब नियमों का पालन करते हैं, तो ये ऊपर उठे है यानी मुक्त पुरुष है, तो वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं, यानी भगवान का गुणगान सभी व्यक्ति कर सकते हैं, और विशेषतः जो मुक्त है वो इसमें लगे हुए हैं, ये इस श्लोक का मेन तात्पर्य है। तो अभी हम लोग तो मुक्त नहीं है, तो हम किस प्रकार से श्रवण कीर्तन का, इस भगवान का गुणगान करने का आनंद ले सकेंगे, तो इसमें श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो नवोदित भक्त है, जो अभी अभी जुड़े हैं या जो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, वो भक्त गुरु के मार्गदर्शन से विधि विधानों का पालन करके धीरे धीरे ऊपर उठ सकता है, पर नवोदित हमारे लोगों के लिए गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है, यदि हम गुरु के आश्रय में नहीं जाएंगे तो हम नियम क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, और हम भक्ति के नाम से कुछ भी कर सकेंगे, करते रहेंगे। तो ये हिसाब से हमें गुरु के निर्देशन से चलना है। जैसे कल एक माता जी मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं मंदिर गया था, कि प्रभु आज होली का दहन करना है, तो हमें, हम एक इस्कॉन के प्रचारक ने कहा है, सात चीज बताई है कि हमें हमारे हृदय में जो काम क्रोध है उसकी होली के रूप में उसको जला देना है होली में। मैंने बोला आप कहाँ से सीखे, बोला उन्होंने बताया, बोले वो कहाँ से लाए ये सब चीज़, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया। यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए तो नवोदित भक्त, हम हमारा उदय हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें गुरु के अंतर्गत ये सब सीखना है। तो बोले वो प्रश्न कर सकते भाई, वो भी गुरु जैसे ही, वो भी मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन गुरु कौन है, जो साधु गुरु शास्त्र के हिसाब से चलता है। तो यदि कोई गुरु अपना मनगढ़ंत बोल दे, या कोई उपदेशक प्रचारक अपनी मन का बोल दे, या शास्त्रों से इधर उधर से लेकर आकर वो हमें उसका निर्देशन, साधु के मार्गदर्शन के बिना अगर हमको गाइडेंस दे, तो वो गुरु अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है।
इसीलिए तो वो ऐसी चीज होती है कि भाई होलिका का दहन करना चाहिए। बोले वो सत्य को जलाते फिर भी सत्य जलता नहीं है, ये हम इसमें सीख ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप होलिका दहन करके, बोला प्रहलाद महाराज के लिए भी होलिका का दहन हुआ था ना। मैंने बोला तो क्या आप प्रहलाद महाराज को जलाना चाहते हैं होलिका दहन करके, या सत्य को तेज करना चाहते हैं कि भाई सत्य नहीं जलता है? नहीं, प्रभुपाद ने हमको ऐसा नहीं सिखाया, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे और हमें प्रचार भी नहीं करना चाहिए ऐसा करें होलिका दहन। नहीं, जो है वो जो करते हैं, जो कृष्ण के शरण में नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं करते, उनको करने दीजिए। लेकिन हम सब जो कृष्ण के शरण में जाना चाहते हैं, उन सबको इन सब चीज के पीछे नहीं दौड़ना है। अभी कहीं कहीं पे फूलों की होली खेलते हैं वहाँ कॉन्ग्रीगेशन ड्यूटी, वो सब के पीछे हमें नहीं जाना है। ये इस प्रकार की भक्ति हमें शरणागति के स्तर पर नहीं ले पाएंगे। आज हमने कितने सुंदर भजन गाए, एक एक भजन को यदि हम समझेंगे, यदि एक भजन को भी समझ लेंगे तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। ये सब भजन आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। यदि गौर न होते की होते, ये सब भजन अद्भुत भजन है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसार है, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। तो हमें इसलिए आचार्यों के भजन, आचार्यों के मार्गदर्शन से चलना चाहिए, क्योंकि तो हमको सिखाते हैं किस प्रकार से गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरम। गौरांग बोलते ही हमारा शरीर में रोमांच खड़ा हो जाए, गौरांगा, और हमारा रोमांच खड़ा हो जाने चाहिए। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरम, हरी 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 हरी, हमारी आंख में से आंसू निकलने चाहिए। ये है कृष्ण प्रेम का लक्षण। बासु घोष एक भजन में, वो भजन में गाते हैं ना आज के भजन में कि मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, विधाता ने मेरे हृदय, मुझे शरीर तो मनुष्य का दिया है लेकिन मेरा हृदय पाषाण का हृदय है, पत्थर का हृदय है, लोहे का हृदय है। तो इसीलिए भगवान के नाम लेने से मेरे आंखों में से अश्रु नहीं निकलते। श्लोक है ना, युगाहितम निमेषेण चक्षुषाम प्रावृषाहितम, चक्षु हमारी आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगेगी। तो वह नाम ग्रहण है, भगवान के नाम ग्रहण करते हुए तो हमारा हृदय पाषाण का होगा, तो हम भगवान का नाम लेते हुए हमारी आंखों में से आंसू नहीं होगा, हमारा रोमांच नहीं खड़े होंगे। लेकिन ये जरूर होगा, कब होगा? जब हम गुरु के मार्गदर्शन से भक्ति करेंगे तो ये जरूर होगा। ऐसे नहीं आर्टिफिशियल में नहीं लाना है, लेकिन कभी कभी भजन गाते हैं तो भक्तों की आंख में से आंसू निकलते हैं, तो ये निशानी अच्छी है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, हमारी आंखों में से आंसू निकलने चाहिए, तब हमारी प्रगति हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना है। जैसे सहज या लोग इस भक्ति को सहज समझते हैं और बहुत अच्छे राग से गाएंगे फिर आंखों में से आंसू निकलेंगे, वो रोलिंग करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमें गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु जो आज्ञा देते हैं उससे हमें अच्छा लगे नहीं लगे, उस आज्ञा का पालन करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हम भी एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आंखों में से अश्रु की धारा बहेगी। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। शरणागति, एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना शरणागति, ये शरणागति के लक्षण क्या है, शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति यानी गुरु के आदेश का पालन करना। कोई है जो हमें आदेश देते हैं और उसका आदेश नहीं, नहीं मैं कोई बात नहीं मानूंगा, मैं प्रभुपाद की बात नहीं मानूंगा, मैं तो होली जलाऊंगा, उसमें घर का सब कूड़ा कचरा डाल के होली जलाऊंगा, ये शरणागति नहीं है। शरणागति प्रभुपाद के आदेश का पालन करना है, गुरु के आदेश का पालन करना है, और ये शरणागति आचार्य चाहते हमसे। आचार्य सब शरणागत, शत प्रतिशत भगवान के पार्षद है। गौरांगे रहसी गौरांगे रह क्या है, नहीं नहीं गौरांगे गौरांगे रह नित्य संग सिद्ध करी माने,
नहीं नहीं गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने तो उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो भगवान गौरांग के नित्य पार्षद है, ये हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, ये भक्ति सिद्धांत सरदेव ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब भगवान के पार्षद है। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संगी है तो वो नित्य सिद्ध है। तो इतना समझने से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को आचार्य के भजन गाना चाहिए। आचार्य हमको सिखाते हैं। हम मीराबाई, नरसिंह मेहता, वो भक्त है, मान भक्त है वो सब, लेकिन हम आचार्य के मार्गदर्शन, हमारे जो आचार्य उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे ना तो हमें वास्तव में कृष्ण प्रेम मिलेगा। क्योंकि ये सब शुद्ध कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं, इसमें पूरा भरा हुआ है ये सब। इसीलिए कहते हैं ना भक्तिविनोद ठाकुर के, मैं रूप और सनातन ये दो भाइयों के चरण में पढ़ना चाहता हूँ और मेरे दंत में तृण धारण करके मैं इन दोनों के चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो हम रूपानुग है, हम प्रभुपादानुग है, हमें प्रभुपाद का मार्गदर्शन से उनके अनुसरण में रहना है। तो यही सबसे बड़ी हमारी साधना है, इन आचार्य के मार्गदर्शन से लेकर गुरु के माध्यम से इन आचार्य तक पहुँचना है और फिर हम कृष्ण को समझ पाएंगे। नहीं तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। मैं थोड़ा 10-15 मिनट भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये सब गौर कथा और कृष्ण कथा समान है, एक ही है, क्योंकि गौरांग ही चैतन्य, गौरांग ही कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जयी शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। तो भगवान बलराम, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं। तो क्यों आए हैं यहाँ, क्यों आए? तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला का मंगलाचरण प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सब श्लोक मंगलाचरण के श्लोक बोलकर फिर सभी श्लोक की व्याख्या करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये जो श्लोक है, चौथा श्लोक, अनर्पित चरिम चिरात करुणयाव तीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना। तो दीर्घ काल से वे भगवान जो श्रीमती शची देव के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। हृदय कंदरा, हमारे हृदय में दिव्य स्थान ग्रहण करे। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान ज्योति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो अनर्पित चरिम चिरात, बहुत चीर समय से, लंबे समय से जिसका आवरण नहीं हुआ है, जो दिया नहीं गया है, अनर्पित चरिम चिरात, वो देने के लिए करुणावतीर्ण कलो, कलयुग में आए हैं। तो करुणावतीर्ण कलो, कलयुग में आए हैं क्या देने के लिए? समर्पयितुम, प्रदान करने के लिए। समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियाम, अपनी भक्ति के खजाने को अर्पण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये इस श्लोक में। तो वो क्या है उन्नतो ज्वल रस? क्या है सबसे टॉप मोस्ट रस? क्या है? माधुर्य रस। वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और उनका कैसे है माधुर्य रस प्रदान करने के लिए? वो पिघले सोने की हरी पूरक, हरी हरी साक्षात हरी है, पूरक सुंदर ज्योति, कदम्ब संदीपित, वो अनेक पिघले सोने की बहुत सुंदर तेज को लेकर वो प्रकट हुए हैं। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबकी हृदय कंदरा में, यानी हमारे हृदय में उदित हो। कितना सुंदर ये
श्लोक है। तो ये उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? देखिए भगवान प्रत्येक युग में आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग कलयुग, ये चार युग में भगवान आते हैं, सब युग में आते हैं। लेकिन ये सब भगवान के जो भी अवतार है वो बहुत दयालु है, सब अवतार दयालु है, सब अवतार भगवान का ये गुण है दया, वो बहुत दयालु अवतार है, सब दया प्रदर्शित कर, दिव्य दया हमारे ऊपर प्रदर्शित करते हैं भगवान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्या है, अत्यंत दयालु है, सभी अवतारों से भी दयालु है, कृष्ण से भी दयालु है, हालांकि वो स्वयं कृष्ण है फिर भी वो कृष्ण से भी दयालु है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने शर्त रखी थी, क्या शर्त थी? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, सब धर्म को छोड़ो मेरे शरण में आओ, ये शर्त थी। हाँ, वो बहुत दयालु थे कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्होंने दयावश होकर अपने गोलोक धाम को के साथ यहाँ आए, और उन्होंने भगवान ने द्वारका मथुरा वृंदावन में लीलाएं की, और लीलाओं का गुणगान करके हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं, इसलिए वो भी दयालु है। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा कृष्ण प्रेम का अमृतमय खजाना पूरा खोल दिया, जाओ जिसको चाहिए वो ले लो, तभी तो हम यहाँ है ना, हम किसकी दया की वजह से है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की, नहीं तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, तेषाम अंतगतम येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते मम दृढ़व्रता, जिनके पाप कर्म नाश हुए हैं वही दृढ़व्रत से भगवान कृष्ण को भजन कर सकते हैं। लेकिन हमको तो आता ही नहीं था, पाप कर्म कैसे नाश हो, कहाँ भोग है, कहाँ नॉनवेज है, कहाँ शराब है, कहाँ स्त्री है, यही तो हम करते थे। लेकिन भगवान ने बोला नहीं भाई ये नहीं चलेगा, कृष्ण ने बोला ये नहीं चलेगा, तुमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, मेरे शरण में आना पड़ेगा। अभी ये सब छोड़ने की बात तो, मतलब शरण में आने की बात तो बहुत दूर है, ये सब छोड़ना भी पॉसिबल नहीं था हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ हरि नाम देकर हमको भक्ति सिखाया स्वयं, और इसीलिए वो महावदान्याय है, सबसे दयालु अवतार है, नमो महावदान्याय, सबसे दयालु। क्या देते हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो ये जो कृष्ण प्रेम है वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इस श्लोक का हम थोड़ा व्याख्या समझेंगे कि उन्नत उज्ज्वल रस क्या है। भगवान कृष्ण ने सोचते हैं कि जनरली सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान को विष्णु कृष्ण राम सब, ओ ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, हाँ तीनों लोकों के मालिक भगवान है वो, मैं उनका दास हूं, ये तो महान भगवान है, इस प्रकार से अहोभाव से भक्ति करते सब लोग। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति मुझे आकर्षित नहीं करती। ये ऐसी भक्ति कहाँ होती है? वैकुंठ में, जहाँ विष्णु भगवान, नारायण विष्णु और सब ओ भगवान भगवान, सब भगवान भगवान करते हैं, इसलिए वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है ये भी, क्योंकि भगवान के साथ दास संबंध है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे ये, कृष्णा सोचते हैं कि ऐसी भक्ति मुझे आकर्षित नहीं करती है, वो उनको ऐसी भक्ति आकर्षित करती है उन्नत उज्ज्वल रस। तो उन्नत रस क्या है? उन्नत सबसे उज्ज्वल रस क्या है? वो ऐसा रस है जिसमें भक्त भगवान को भगवान नहीं माने, जैसे वृंदावन के गोप बालक वो कृष्ण के साथ खेलते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरा मित्र है, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, भगवान को हरा देते हैं, और फिर बोलते भगवान आप कृष्ण तुम हार गए हो, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाता हूं, मुझे दौड़ के ले जाओ तुम्हारी सजा, वो भगवान को सजा करते हैं। ऐसा किसी ने सोचा था? नहीं, जब तक ईश्वर माधवेंद्रपुरी नहीं आए तब तक किसी के पास ये खजाना नहीं था, माधवेंद्रपुरी ने ये सब दिया, हाँ उनके उनके
शिष्य ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी को वरदान दिया माधवेंद्रपुरी ने कि तुम्हारे वहां तुम्हारा शिष्य तुम गुरु बनेंगे भगवान के। उन्होंने इतनी सेवा की थी माधवेंद्रपुरी की। तो ये उन्नत उज्जवल रस ये है जिसमें भगवान को भगवान नहीं समझते। यशोदा मैया, यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहते थे, वो सब रस्सी से भगवान को बांधना चाहते थे। कौन बांध सकता? यदि यशोदा मैया को मालूम पड़े तो भगवान है, त्रिलोक के मालिक है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति, ये तो मेरे सही सबका पालन पोषण करने वाले ये कृष्ण है, भगवान है, ये मेरा बेटा है, तो वो शिथिल हो जाता भाव। भाव शिथिल हो जाता। जैसे एक एक बड़ा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वो अपने पौत्र के साथ खेले और पौत्र को वो उसका भाव नहीं आएगा, वो सोचे तो मेरे दादा तो राष्ट्रपति है, नहीं मैं उसे दूर ही रहूंगा, अहोभाव। एक व्यक्ति राष्ट्रपति को मिलने जाता है तो उसको बाहर बिठाया जाता है, बोला बैठो अभी अंदर व्यस्त है। तो बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, तो बोले वो क्यों बाहर नहीं निकलते? तो उन्होंने दरवाजे के तिराड़ से देखा अंदर, तो राष्ट्रपति घुटने के बल पर घोड़ा बना हुआ है और उसका पोता उसके कंधे पर बैठा है और उसको घोड़ा घोड़ा खेल रहा है। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये राष्ट्रपति, समझे? तो पोते के लिए राष्ट्रपति नहीं है। इसी प्रकार भगवान के लिए, भगवान इन सब गोप बालकों के लिए, भगवान के माता पिता यशोदा मैया के लिए वो इनका एक बालक है, उनका एक मित्र है, उनका एक प्रेमी है। इसीलिए सब जो प्रेम, ये सब जो है गोप बालक या ये सब व्रजवासी, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। जब भगवान ने रात को मध रात को बांसुरी बजाई तो गोपियां सब दौड़ के आ गई, तो भगवान ने बोले तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने घर जाओ। रात को ऐसी एक औरत लड़की ऐसी आ सकती है? भगवान डांटते हैं, तो गोपियां उनको सामने से डांटते हैं कि आप लोगों ने हमको, आपने तुमने हमको बुलाया और अभी बोलते जाओ, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, हमको ये सुनना नहीं है। तो ऐसी गोपियां ऐसे भगवान को डांटती है। तो भगवान कहते हैं ऐसी डांट मुझे वेदों की स्तुति से भी अच्छी लगती है, ये है। तो ये उन्नत उज्ज्वल रस है जिसमें भगवान भगवान है वो विस्मरण होता है। जब देवकी और वसुदेव को, जब कंस को मार के भगवान उनके पास आए, उनको प्रणाम करते हैं, तब वो एकदम अहोभाव में थे, अरे ये तो भगवान साक्षात नारायण है, तो उसमें शिथिल हो जाता है। सोचिए भगवान, भगवान दौड़ते हैं पीछे, यशोदा माया मारने दौड़ती है, ए कृष्ण तुम बहुत धमाल करते, आज तो मैं तुमको बहुत मारूंगी। तो यदि उसको मालूम है ये तो प्रकट ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है, मैं ब्रह्म के पीछे, जो जो ब्रह्म के पीछे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी वो भगवान का चरण कमल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो ब्रह्म को, परम ब्रह्म को पीछे यशोदा में लकड़ी लेके दौड़ती है और भगवान पकड़ जाते हैं अपनी दया से। सोचिए, तो ये भाव, ये उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करने के लिए, हम आस्वादन करें इसके लिए उन्होंने प्रकट किया अन्यपि चरिम चिरात, उन्होंने अर्पण किया। ये लंबे काल से ये रस का आस्वादन नहीं हो रहा था, ये रस प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, समझिए आप। इसीलिए नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम है, गोप बालक का प्रेम है। जो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो ये छोटा बालक क्या है, ये झूठा खाता है, ये भगवान हो सकता है? लेकिन गोप बालक को कुछ नहीं, वो कृष्ण, पर उनको कृष्ण के प्रति बहुत पूर्ण प्रेम था, पूर्ण रूप से शरणागत थे।
ये गोप बालकों या वृंदावन व्रजवासियों को कृष्ण भगवान है वो ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य लोग जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है वो भी ऐसा हम भी गोप बालों के नहीं, वो सब इस कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने सब पुण्य प्राप्त कर लिया है इसीलिए वो भगवान के साथ खेल रहे हैं। नंद महाराज, यशोदा मैया, वो तो हालांकि भगवान का ही विस्तार है, कोई नंद यशोदा नहीं बन सकते, हाँ पिता बन सकते हैं लेकिन वो भगवान के विस्तार है। तो ये सब जो प्रेम है उन्नत उज्ज्वल रस उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और ये यदि हमारे हृदय कंदरा में स्फुरित हो तो हमारा पूरा कल्याण हो सकता है। इसीलिए गौरांग, ये सब आप देखिए सब में गौरांग, गौरांग का नाम लेकर ये हम लोगों का ये जीवन समाप्त होना चाहिए, लेकिन गौरांग का नाम लेने से जीवन समाप्त करने से पहले हमें कबे नीताई चांदेरा करुणा है बे संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हो बे, हमारी संसार वासना तुच्छ होनी चाहिए तब जाके हम कृत पुण्य पुंजा हो सकते हैं, मतलब पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारी संसार वासना कब तुच्छ होगी? चेतो दर्पण मार्जनम। और चेतो दर्पण मार्जन करने से कैसे होगा? हरि नाम से। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे चेत का हृदय का दर्पण, हृदय रूपी दर्पण है साफ होगा और हमारे में निताई चांदेर की कृपा होगी, नित्यानंद चंद्र, निताई चंद्र उनकी कृपा होगी, तब हमारे हृदय निर्मल होगा और हम जुगल प्रीति कबे हम भूजाब से जुगल अप्रीति, तब हम राधा कृष्ण की लीला को समझ सकते हैं। तो ये सब हमारा, हम अभी हमारे गौरांग बोलते हुए क्यों हमारी आंखों में से आंसू नहीं निकलता, रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते? हृदय में दुश्मन बैठे हैं। इसीलिए हमारी क्रिया क्या होनी चाहिए? ये सब वासना को शुद्ध करना है। वासना है, अभी हम लोगों ने भी वासना की, क्या वासना की? भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान को भोग अर्पण करेंगे, ये हमारी वासना है, लेकिन ये शुद्ध वासना है, ये शुद्ध इच्छा है। ऐसी शुद्ध इच्छा रखने से धीरे 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 हमारे ये जो भौतिक इच्छा है सब नष्ट होगी और एक दिन हम भगवान का नाम कीर्तन कर पाएंगे। तो ये है उन्नत उज्ज्वल रस का। ये अभी मैं एक दो छोटी सी भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करूँगा और फिर हम इससे बहुत बड़ा उपदेश है, जैसे श्रीधर कोलावेज, सबने चैतन्य महाप्रभु की छोटी पुस्तिका पढ़ी होगी, तो श्रीधर कोलावेज बहुत गरीब थे, श्रीधर, और वो केला बेच के गुजरान चला था। अभी केला उस बंगाल में तो सब गर्म गर्म में केले होते, केले के पेड़ होते हैं और उसके पत्ते केले सब, तो उसके पड़िया बनाकर पत्तल बनाकर केला बेचकर वो गुजरान चलाते थे और उसमें भी वो 50% इनकम किसको देते थे? गंगा को, गंगा की सामे लगाते थे। हाँ, और वो बहुत गरीब थे, उनका झोपड़ा जो था उसमें सब जगह पानी गिरता था, मतलब बारिश में, और उनके घर में पानी के लिए टूटा हुआ लोहे का घड़ा था, मटका था, और भगवान चैतन्य महाप्रभु उसमें से पानी पीते थे, सोचिए। तो ये श्रीधर कोलावेज भगवान को बहुत प्रिय थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु उनके पास हर रोज जाते थे और उनको चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी मजाक करते थे और वो सब्जी और उसका केला है वो मुफ्त में ले लेते थे और बहुत कम पैसे देते थे उनको। तो एक बार वो गरीब थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि तुम राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हो हाँ, लेकिन उसको भजने से फायदा क्या है? वो तुम्हें कुछ तो देते नहीं है, तू इतना गरीब है, तू ऐसे टूटे फूटे घर में रहता है, तो तुम राधा ये लक्ष्मी नारायण को प्रार्थना नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो कि तुम्हें वो मदद करे? तो श्रीधर ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया, ये सब हमको इससे शिक्षा प्राप्त करनी है। श्रीधर ने क्या जवाब दिया? मेरे प्रिय निमाई पंडित,
वो नहीं जानते थे कि ये साक्षात कृष्ण है। वो तब नवद्वीप में, ये भगवान की संन्यास लीला से पहले का है, जब भगवान नवद्वीप में थे बाल्य लीला में, तो बोले मेरे प्रिय निमाई पंडित, काल किसी का मान नहीं रखता, ये काल घूमता रहता है। हाँ, आयुर हरती वही पुमसाम उदयन न चयन न सो, ये जो सूर्य है वो उदित होता है और अस्त होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, हम मृत्यु के नजदीक जाते हैं। लेकिन कौन? जो भगवान की लीला कथा का स्मरण कीर्तन नहीं करता है वो मृत्यु के नजदीक जाता है। तो कहते हैं कि जो काल है किसी का सम्मान नहीं करता, किसी का मान नहीं रखता। ये सूर्य देव की स्पीड कितनी है? एक क्षण में लाखों माइल सूर्यदेव का रथ उसकी स्पीड से, अभी हमारे ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड हो सकती, 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर। अभी ये जो हाई स्पीड ट्रेन है वो कितना होगा? मेट्रो, बुलेट, बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 400-500 किलोमीटर। लेकिन सूर्यदेव 500 किलोमीटर प्रति आवर, एक घंटे में 500 किलोमीटर। लेकिन सूर्यदेव का रथ काल के मार्गदर्शन से, काल के भ्रमण कक्षा में एक क्षण में लाखों माइल पसार होता है। सोचिए तो काल कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो श्रीधर कोलावेच यही बोलते हैं कि काल किसी का सम्मान नहीं रखता है, कोई धनवान हो या गरीब। अभी बहुत धनवान लोग कोरोना में मर गए, गरीब होगा धनवान होगा काल इसका ये नहीं करेगा। पशु हो या पक्षी, काल उसने जो पूर्व कर्म किया है उसका फल देने के काम में लगाएगा, उसको फल भुगत नहीं पड़ेगा। खाना पीना सोना एवं अन्य इंद्रिय सुख भुगतने के लिए मनुष्य और पशु दोनों जीवन का आनंद मानते हैं, भुगतते हैं आनंद। पशु या मनुष्य दोनों आहा निद्रा, हाँ, सबको मजा होता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही भगवान श्री हरि को भज सकते हैं। इसीलिए जो मनुष्य कृष्ण को भजता नहीं है वो मनुष्य पशु से अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं मेरे घर या मेरी भौतिक स्थिति की परवाह नहीं करता हूं, मैं कोई भी भौतिक लाभ के बिना भगवान श्री कृष्ण को भजता हूं। ये श्रीधर कोलावेच इतना गरीब होने के बावजूद भी वो नहीं मांगते धनम जनम सुंदरीम, नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे। क्या चाहते? जन्मनि जन्मनिश्वरे भगवान कृष्ण की भक्ति, जन्म जन्म हमें भक्ति मिले। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने अष्ट प्रहर सबको दर्शन दे रहे थे, अष्टकालीय लीला, ये इक्कीस घंटे शिवास ठाकुर के घर पर वो सब लीला सबको अपना दर्शन दे रहे थे, सबको बुला बुला कर। जब ये श्रीधर कोलावेच ऐसे मस्करी करते थे तो तुम्हारे भगवान कुछ देते नहीं है, तो जब ऐसा बोला ना कि मैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं मेरा काल मेरा भुगत रहा हूँ, ये मेरा कर्म भुगत रहा हूँ, तो चैतन्य बाबा बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला तुम चोर हो, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खजाना है, लाओ ये सब तुम मुझे दे दो। और उनका फिर से केला सब दे देते हैं, सेब ले लेते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सब मैं ले लेता हूँ, तुम्हारे पास इतना खजाना है, तुम चोर हो, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो वो बहुत ही ये हो गया, बोला जाओ जाओ तुम ये सब मुफ्त में ले जाओ। बोला ये गंगा कौन है मालूम है? बोला हाँ गंगा विष्णु की दासी है। बोला ये जो गंगा है वो मेरी दासी है। तो श्रीधर कोलावेच विष्णु विष्णु तुम अपने आप को भगवान समझते हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, तुम एक ब्राह्मण हो। चैतन्य महाप्रभु ये कहते थे तुम्हारी बुद्धि, तुम अपने आप को विष्णु मानते हो, तुम विष्णु नहीं हो। और जब 21 घंटे के लिए जब भगवान अपना लीला प्रकाशित कर रहे थे शिवास के घर शिवास आंगन में, तब श्रीधर कोलावेच सबको बुलाते हैं, भगवान श्रीधर कोलावेच आते हैं और उनको विष्णु का दर्शन करवाते हैं।
तो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। और तब भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोलो तुमको क्या चाहिए, मांगो मेरे से वरदान। तब श्रीधर कोलाविज कहते हैं, हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं आपसे कोई भी भौतिक वरदान नहीं चाहता हूं, मेरी सिर्फ एक ही आकांक्षा है, मेरी मांगनी एक ही है कि जब भी और जहां भी मुझे जन्म लेना पड़े, मैं जन्म जन्म आपका दास बनूं, आप मेरे जन्म जन्म स्वामी बने। भगवान चैतन्य उनको ये वरदान देकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों के बीच का आदान प्रदान। तो हमें समझना है चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या देने के लिए आए है, हा? हमें धन जन देने के लिए आए नहीं, कोई भी भगवान का अवतार ये नहीं देते हैं, वो देने के लिए हमको आए हैं, उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए आए हैं, और इसके लिए कोई लायकात की आवश्यकता उन्होंने नहीं मांगी। सत्ता अर्पिता नियमित स्मरणेन काल, कोई समय का बंधन नहीं, कुछ नहीं, कड़क नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है। वो दिया कृष्ण प्रेम का खजाना हमको देने के आया है। तो एक और बात है जो हमने देखा इसमें, कि मायावादी लोग भगवान को निराकार बना देते हैं, वो वेद सब शास्त्र पढ़ के बोलते हैं कि भगवान निराकार है और माया उनको रूप देती है। तो ये सब मायावादी भगवान को बहुत अप्रसन्न करते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनी ले आई सर्वनाश। तो जो मायावादी का संग करते हैं, बहुत सारे लोग ये सब मायावादी लोगों की कथा सुनने जाते हैं, हमारे इस्कॉन के भक्त भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे वो लोग। ये बहुत सारे सब मोस्ट ऑफ ऑल कथाकार, ये जो कथाकार है ना, ज्यादातर सब लोग मायावादी है। यदि हम उनकी कथा सुनेंगे, हम चैतन्य महाप्रभु को नाखुश करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त, भगवान सबको अपना रूप दिखा रहे थे, तो भक्तों को ध्यान में कि मुकुंद दत्त बाहर खड़े, लेकिन भगवान उनको बुला नहीं रहे चैतन्य महाप्रभु। तो किसी ने पूछा, आप मुकुंद दत्त को बुलाए, बोला नहीं, मैं मुकुंद दत्त को दर्शन नहीं दूंगा। बोला क्यों? क्योंकि वो मायावादी का संग करता है, वो वहां जाके मायावादियों के साथ रहता है, उनके साथ सब संग करता है, और फिर यहां भी आता है, मुझे उनका दर्शन देखना नहीं है। तो ये नहीं नहीं ऐसे ऐसे मैं ऐसे का मैं जन्म मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता हूं जो मायावाद का संग करे। तो सोचिए यदि हम मायावादी लोगों की कथा सुनने जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमको देख हमको देखेंगे नहीं। और मायावादी की कथा और मायावादी की कथा से बोध ग्रहण करके हमारे इस्कॉन के भक्त अपनी कथा में माया डाल देते हैं, मायावादी की तरह कथा करते हैं, तो ये सब कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे, और हमारा हालत मुकुंद दत्त जैसा होगा। तो मुकुंद दत्त ने पूछा, हताश हो गए, उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु मेरा कभी दर्शन नहीं करेंगे, कब मेरा दर्शन मुझे दर्शन देंगे। तो भक्त पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, बोले एक करोड़ जन्म तक उसको राह देखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको दर्शन दूंगा। तो ये मुकुंद दत्त तो नाचने लगे, तो पूछा हाँ, एक करोड़ जन्म के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो मुकुंद को जब ये संदेश पहुंचा तो प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, मुझे सिर्फ एक करोड़ जन्म तक ही राह देखनी है। बाप रे बाप, तो एक साल राह देखने में तकलीफ हो रही है, इस भौतिक जगत में। बोला एक करोड़ जन्मों के बाद चलेगा। उसने सोचा कि लेकिन इतने बात से लास्ट में प्रभु का दर्शन तो मुझे होगा ना। जब गौरांग महाप्रभु ने सुना कि मुकुंद दत्त 1 करोड़ साल तक जन्म तक राह देखने के लिए तैयार है उतनी धीरज ही, तो उन्होंने तुरंत उनको बुलाया और उसको बोला, अभी जो कृष्ण का द्वेष करते हैं मायावादी के साथ संग नहीं करना। और फिर उन्होंने भगवान ने उनका सब अपराध माफ किया। सोचिए ये है चैतन्य महाप्रभु, इनकी दया का हम क्या विचार कर सकते हैं, हम नहीं विचार सकते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु जो आज भजन गाया, हाँ, यदि गौर न होते, यदि वो नहीं होते, तो
तो हमारी क्या हालत होती, और हम इतने भाग्यशाली है कि सिर्फ 550 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो हम सबको ये मुकुंदत से और श्रीधर कोलावेद से ये सब शिक्षा प्राप्त करनी है, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करें, क्या मांगे क्या नहीं मांगे, हमारी क्या भावना होनी चाहिए, हमें चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं वो हमें समझना है, हमारे जीवन को धन्य करना है। हाँ, ये ऐसा, वो तो 1 करोड़ जन्म तक राह देखने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात उपस्थित है। देखिए 56 भोग उपस्थित है, ये प्रसाद भगवान की कृपा, साक्षात भगवान है प्रसाद भी, क्योंकि वो कृपा देते, भगवान की कृपा, भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण कोई भेद नहीं है, और ये हमको मिल रहा है, ये कलयुग में मिलेगा, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। हाँ, 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में के द्वापर के अंत में आते हैं भगवान कृष्णा, और उसके बाद वही चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं एक बार। सोचिए सहस्त्र युग पर्यंत 2000 चतुर्युग पसार होने के बाद एक बार भगवान आते हैं कृष्णा, और हम कितने सौभाग्यशाली है। इसीलिए कहते हैं जीव जागो गोरा चांद बोले, नित्यानंद की कृपा, यही में हम समझ सकते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम कौन है, कृष्ण कौन है, नहीं तो हम सब ये सब भगवान भगवान है, हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यही होगा। लेकिन यहाँ तो कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, तो हम सबको इस प्रकार नम्रता से, हमारी नम्रता बढ़नी चाहिए। ये जो एक भजन में आया था, जितना हम नम्र बनेंगे हमारे हृदय के जो दूषण है वो दूर होगा, उतना ही भगवान को गौरांग के चरण कमल में शरणागति ले सकते हैं। हाँ, ये नम्रता दूर होने के लिए हमको विधि भक्ति करनी है, अरे नम्रता लाने के लिए विधि भक्ति करनी है। इसलिए सब भक्तों को तीव्रता से, मुकुंद की तरह, मुकुंदत्त की तीव्रता से, उत्साह से, देखो वो कितनी धीरज धैर्य उत्साह निश्चय, उसका निश्चय था भगवान का दर्शन करना है। धीरज कितना है, 1 करोड़ साल तक का धीरज, उत्साह निश्चय धैर्य, ये हमें बनाए रखना है तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के जय, भगवान श्री गौरांग आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा के, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, गौर जयंती हम कृष्ण के लिए।